हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तक हमने इसके अंदर दो कैरेक्टर्स, दो प्रॉपर्टीज देखी थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर, और एक देखा था हमने इसके अंदर जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के आधार पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट जो बेसिस है अपना, वो प्रॉपरली हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पर जो फाइल है अपन पढ़ते हैं तो वहां पर आ जाता है ये। तो इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है अपना बॉडी प्लान। ये क्या है? ये है बॉडी प्लान, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को थ्री कैटेगरीज में, थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है सेलुलर एग्रीगेशन, एक है हमारे पास में ब्लाइंड सैक, अंध नाल जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी कुछ संरचना। एक है ट्यूब विद इन ट्यूब। इससे आपको याद आया होगा कि कहां पर आता है ये ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको अपन समझते हैं। सेलुलर एग्रीगेशन, इनके अंदर ओनली सेल्स पाई जाती है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर ओनली सेल्स पाई जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर तो ओनली सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। तो इसके अंदर ओनली सेलुलर एग्रीगेशन पाया जाता है और इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास पोरीफेरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लाइंड सैक। अब ब्लाइंड सैक को कुछ इस तरीके से समझना कि जैसे अपन कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि माउथ और एनस, एक ही पोर जो होता है, एक ही छिद्र जो होता है। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से, ये इसका पोर है, छिद्र है, ठीक है। अब यही पोर, एक ही छेद जो है, यही माउथ का भी काम करता है और यही एनस का भी काम करता है। इधर से मान लो कोई फूड एंटर होगा, इसका अंदर जो भी डाइजेशन प्रोसेस होगी वो होगी, और बाद में इधर से ही इसको बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा। एंटर भी इधर से होगा, एग्जिट भी इधर से होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लाइंड सैक, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेलमिंथिस के अंदर, ठीक है। इनके अंदर एंटरिंग पोर और एग्जिट पोर एक ही होता है, ठीक है, यानी सिंगल पोर होता है यहाँ पर। इनके अंदर क्या होता है? सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज माउथ एंड एनस, ठीक है। एक ही ओपनिंग है, एक ही पोर है जो क्या काम कर रहा है? माउथ और एनस दोनों का काम करता है ये, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स हम बताना चाहें तो भी बताया था अपन ने, सिलेंट्रेटा में ऐसा होता है, टीनोफोरा में ऐसा होता है, और इसी के साथ साथ प्लेटिहेलमिंथिस में भी ऐसा पाया जाता है, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। तो ये ब्लाइंड सेक हो गया। अब ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब जैसे अपन पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए अर्थवर्म। क्या आना चाहिए? अर्थवर्म, केचुआ। केचुए के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी नलिका के अंदर नलिका। इसको पहले समझ सकते हैं जैसे हमारा पेन होता है, ट्रांसपेरेंट वाला पेन, जिसके अंदर ये तो इसका बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और इसके अंदर एक तरीके से ये हो गई अपनी जो रिफिल है वो, ठीक है। तो ये एक तरीके से बाहर वाला जो ग्लास कवरिंग है वो, और ये इसकी रिफिल, ठीक है। तो ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या हो गया? ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब। तो एक तरीके से ये तो इसका बाहर वाला बॉडी हो गया, और बॉडी के अंदर क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल है। क्या है ये? आहार नाल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका में नलिका,
ठीक है। तो ये समझते हैं अपन इसको, तो ये कुछ संरचना कुछ स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर टू सेपरेट ओपनिंग होती है, क्या होती है इसके अंदर, टू सेपरेट ओपनिंग पाई जाती है, क्या पाई जाती है इसके अंदर, इसके अंदर टू सेपरेट ओपनिंग होती है, मतलब फूड एंटर के लिए अलग, एग्जिट के लिए अलग, यानी माउथ एंड एनस दोनों अलग अलग होती है, क्या होती है दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा, वन एक्टिंग एज माउथ, एक तो माउथ की तरह काम करेगी और दूसरा एंड अदर एनस, ठीक है। तो ऐसा इसके अंदर होता है, और ऐसा स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाता है, प्लेटी एल्बिंथिस से आगे एस एल्बिंथिस टू कॉर्डेटा, एस एल्बिंथिस टू कॉर्डेटा के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बॉडी प्लान से रिलेटेड कुछ टर्म्स से ये देखे अपन ने। अब यहां पर जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब है, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो कैसे, हमारे पास में है जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब। अब यानी इनके अंदर क्या है, माउथ और एनस अलग अलग है, सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है। तो देखो अभी हमने यहां पर एक बनाया था स्ट्रक्चर, इससे पहले वाला जर्म लेयर, जायगोट, जायगोट से मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो जब गैस्ट्रुला बनता है तो उसके अंदर सेलुलर मूवमेंट होती है, तो सेलुलर मूवमेंट के दौरान क्या होता है, यहां पर इस तरीके से सेल्स मूव करती हैं, ये अंदर की तरफ दाने लग जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा, एक तरीके से ये बन जाएगा पोर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोर, एक छेद बन जाता है, छिद्र बन जाता है, ये कहलाता है ब्लास्टोपोर, क्या कहलाता है ये कहलाता है ब्लास्टोपोर, ठीक है। अब ये ब्लास्टोपोर या तो एनस बनाएगा या माउथ बनाएगा, क्या बनाएगा, ये ब्लास्टोपोर या तो माउथ बनाएगा या एनस बनाएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब कौन से ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है या एनस बनता है, इसके बेसिस पे हम टू कैटेगरीज बना सकते हैं। तो एक तो होता है प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया एक तो हो जाएगा हमारे पास में, प्रोटोस्टोमिया एक हो जाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया एक क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ध्यान समझना इसको, प्रोटो मींस होता है पहले, प्रोटो मींस पहले या हम बोले इसको फर्स्ट, ठीक है। और स्टोमा, स्टोमा मींस होता है, स्टोमा मींस होता है माउथ, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया यहां बोल सकते इसको प्रोटोस्टोम्स, तो इसका मतलब होता है माउथ, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनता है, माउथ बनता है, ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनेगा, माउथ बनेगा, वो कहलाता है प्रोटोस्टोमिया, वो क्या कहलाता है, प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, ठीक है, फॉर्म्स माउथ फर्स्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास में, अब देखो हम पढ़ रहे हैं ट्यूब विद इन ट्यूब वाला, तो उसके अंदर एस एल्बिंथिस से कॉर्डेटा तक है। अब एस एल्बिंथिस से कॉर्डेटा को हमें डिवाइड करना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में एस एल्बिंथिस से लेकर मोलस्का तक, एस एल्बिंथिस टू मोलस्का, ठीक है। अब ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरो का मतलब होता है सेकंड या बाद में, ठीक है, और स्टोमा का मतलब माउथ, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब होगा इसका, यहां पर माउथ बाद में बनेगा, मतलब ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, ब्लास्टोपोर से यहां पर बनती है एनस, ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, यहां पर एनस बनेगी, ठीक है। तो ब्लास्टोपोर फॉर्म्स फॉर्म्स एनस फर्स्ट, ठीक है, ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनेगा यहां पर, ठीक है। और इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास में मोलस्का के बाद में वाला एकाइनोडर्मेटा,
एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा आ जाएगा किसके अंदर, ड्यूटेरोस्ट्रोमिया के अंदर, ड्यूटेरोस्ट्रोम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एक और हमारा बॉडी प्लान हो गया। नेक्स्ट अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो आता है हमारा सीलोम। सीलोम इसको हिंदी में बोल सकते हैं देह गुहा, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी ठीक है, देह गुहा। अब हमने यहां पर बनाया था, अभी देखो थ्री जर्म लेयर्स बन गई, एक यहां पर बन गई एक तरीके से एक्टोडर्म, यहां पर बन गई एंडोडर्म, यहां पर बन गई ये मेसोडर्म। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं हार्ट लंग्स किडनीज, ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ आएंगे, इनको रखेंगे कहाँ पर, यहां तो जगह ही नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर, इसी से तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, ये इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे अपन ये पूरा सेक्शन काटा हुआ है तो इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए जो ये मेसोडर्म है, ये क्या है मेसोडर्म, मेसोडर्म के बीच में जगह बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक कैविटी बनाई जाती है, खाली जगह बनाई जाती है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो हैं वो प्लेस होते हैं, वहां वो यहाँ पर रखे जाते हैं। तो मेसोडर्म के बीच में जो जगह बनेगी वो कहलाएगी सीलोम। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सीलोम, देह गुहा कहलाएगी। तो देह गुहा के आधार पर, देह गुहा क्या हमें और पढ़ेंगे इसके टाइप्स कैसे बनती है, कैसे क्या बनेगी, तो इसके आधार पर हम थ्री ग्रुप्स बना सकते हैं, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो है हमारे पास में एक तो एसीलोमेट, एसीलोमेट, एक आ जाएगा हमारे पास में स्यूडोसीलोमेट, एक आ जाएगा हमारे पास में यूसीलोमेट यानी ट्रूसीलोम। यूसीलोमेट यानी ट्रूसीलोम, एसीलोमेट, देखो एसीलोमेट क्या होता है, वही वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं अभी यहां पर जो अभी बनाया था अपन ने। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके बीच में भर गई क्या मेसोग्लिया, ये मेसोडर्म नहीं है, फिर बता रहा हूं मैं मेसोग्लिया है ये क्या है मेसोग्लिया। तो यहां पर एक्टोडर्म, ये अंदर वाली एंडोडर्म और ये हो गई मेसोग्लिया, ये क्या हो गई मेसोग्लिया। ठीक है, देखो एसीलोमेट, ए मीन्स एब्सेंट, ए मीन्स एब्सेंट मतलब इनके अंदर सीलोम देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट होती है, सीलोम नहीं पाई जाती है, देह गुहा नहीं पाई जाती है, वो कहलाते हैं एसीलोमेट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो पहली बात तो ये जिनके अंदर मेसोडर्म नहीं पाई जाएगी, मेसोडर्म नहीं पाई जाएगी उसको किस में रखेंगे एसीलोमेट में। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में आ जाएगा एक तो सिलेंट्रेटा और दूसरा कौन सा था टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन दोनों के अंदर मेसोडर्म होती ही नहीं है। तो जब मेसोडर्म है ही नहीं, तो मेसोडर्म नहीं है तो सीलोम बनेगी ही नहीं। तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा कैसे हो जाएंगे एसीलोमेट, क्योंकि इनके अंदर मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है और ये कैसी होती है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा के अंदर, तो इनके अंदर ये होते हैं एसीलोमेट। लेकिन यहां पर एक और एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज में क्या होता है
प्लेटिहेलमिंथिस के अंदर, प्लेटिहेलमिंथिस के अंदर भी सीलोम एब्सेंट होती है। क्या होती है? सीलोम एब्सेंट होती है। इसके अंदर मीजोडर्म तो पाई जाती है, लेकिन ये मीजोडर्म जो होती है ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये स्प्लिट यानी दूर नहीं हो पाते, यहाँ पर सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएगा एक तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड यहां पर आ जाए। इन दोनों के अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होती है। यहां पर जो नेक्स्ट अपना एक और एग्जाम फाइल वो एग्जाम्पल है प्लेटिहेलमिंथिस। प्लेटिहेलमिंथिस के अंदर क्या हो जाएगा? यहां पर सॉलिड मीजोडर्म होती है। कैसी होती है? सॉलिड मीजोडर्म होती है, जिस वजह से यहां पर सीलोम नहीं बन पाती है। तो ये फर्स्ट हो गया अपना एसीलोमेट। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया एसीलोमेट। दूसरा है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है अवास्तविक, फॉल्स, झूठा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉल्स सीलोम पाई जाती है, मतलब मीजोडर्म भी होती है लेकिन वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, इसको हम बना सकते हैं कुछ ऐसे, ये बाहर बन गई एक्टोडर्म, ये अंदर बन गई एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, अब इनके बीच बीच में, इनके बीच बीच में क्या होता है, जैसे ये तो क्या हो गया एक्टोडर्म, ये वाला एंडोडर्म, और ये हो गया मीजोडर्मल पाउच। ये क्या है? ये है मीजोडर्मल पाउच। ये है मीजोडर्मल पाउच। तो यहां पर देखो, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, एक बड़ी कैविटी खाली जगह नहीं बन रही है, छोटा सा पाउच बन रहा है। तो हम इसको ट्रूसीलोम नहीं बोल सकते, वास्तविक देह गुहा नहीं बोल सकते। ये क्या है? एक फॉल्स सीलोम है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मीजोडर्म तो होती है लेकिन वो क्या बनाती है? मीजोडर्मल पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, वो कहलाता है स्यूडोसीलोमेट। और ऐसा किसके अंदर होता है? एसकेलमेंथिस के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल एसकेलमेंथिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास में एसकेलमेंथिस, जिसके अंदर स्यूडोसीलोम पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास में यूसीलोमेट, और यू का मतलब होता है ट्रूसीलोम। क्या यहां पर मतलब है इसका? ट्रूसीलोम, वास्तविक देह गुहा। यहां पर क्या है? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा क्या कहलाती है? वास्तविक देह गुहा देखो बनाते हैं अपन यहां पर, जैसे मैं बनाऊं इसको, ये तो क्या हो गया एक्टोडर्म, ये आ गया एंडोडर्म, तो ये तो क्या हो गया इसका एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म। नाम लिख दूं मैं इसका, एक्टोडर्म, यह आ जाएगा एंडोडर्म। अब मीजोडर्म कैसे पाई जाती है? देखो, मीजोडर्म कैसे पाई जाएगी? मीजोडर्म एक तो इस एंडोडर्म के चारों तरफ एक परत बनाती है, ठीक है, दूसरा एक बनाती है ये एक्टोडर्म के चारों तरफ, कहां बनाती है? एक्टोडर्म के चारों तरफ लेयर बनाती है। अब यहां पर ये जो कैविटी बन रही है, ये कैविटी, ये कहलाती है सीलोम। ये क्या कहलाती है? ये कहलाएगी सीलोम, ये कहलाएगी देह गुहा। मतलब सीलोम, ट्रू सीलोम कब कहलाएगी? जब वो दोनों तरफ से लाइन होती है, दोनों तरफ से घिरी हुई होती है। किससे? मीजोडर्म से। दोनों तरफ से किससे घिरी हुई रहेगी? वो
दोनों तरफ से वो मीजोडर्म से घिरी हुई रहेगी। यह है मीजोडर्म। ये क्या है? मीजोडर्म, ये मतलब जब सीलोम दोनों तरफ से मीजोडर्म से सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है, तो वो कहलाती है सीलोम। ठीक है, यहां पर ये मान लो ये है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गए हमारे पास में ट्रू सीलोम। अब इसको अपन एग्जाम्पल समझते हैं। ये बाहर वाली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? आउटर मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म। तो ये आउटर मीजोडर्म और एक्टोडर्म दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं बाहर की देह, बाहर की बॉडी वॉल। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पैराइटल, पैराइटल पेरिटोनियम। दूसरा वाला जैसे अपन इसकी बात करें, यहां पर ये हो जाएगी इनर, मीजोडर्म। ये क्या है? एंडोडर्म। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? ये दोनों मिलकर बना रही हैं विसरल पेरिटोनियम, मतलब अंदर वाली बॉडी वॉल, विसरल पेरिटोनियम। तो इस तरीके से ये ट्रू सीलोम पाई जाती है। ठीक है, और ट्रू सीलोम का एग्जांपल अपन बता सकते हैं। एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपना एक और था सीलोम वाला। अब यहां पर जो है ट्रू सीलोम है हमारे पास में, इसको भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड, ध्यान रखेंगे। ये सीलोम कैसे बनेगी? जो दोनों तरफ से, बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से सराउंडेड होती है, लाइंड होती है, किससे? मीजोडर्म से। ठीक है, दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई होगी, तभी कहलाएगी वो वास्तविक देह हुआ ट्रू सीलोम। अब हम इसको फॉर्मेशन के बेसिस पे टू कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं, साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। ठीक है, ये यू सीलोमेट है, इस यू सीलोमेट को अपन डिवाइड कर सकते हैं एक दो साइजोसीलोम। ठीक है, और एक कर सकते हैं अपन इसको एंटेरोसीलोम, एंटेरोसीलोम। देखो अभी अपन ने बनाया था ऐसे, ये एक्टो, ये एक्टो, ये एंडो, और इनके बीच मीजो। ये कैविटी नहीं है, ये कैविटी नहीं है, ये तो क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है, प्रिमिटिव गट। ये शुरुआती अवस्था में आहार नाल का रूप है, ये आहार नाल है। ये क्या है? ये प्रिमिटिव गट, यानी एलिस से आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। ये कैविटी नहीं है, कैविटी यहां बनती है। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर साइजोसीलोम, साइजोसीलोम को अपन बोलते हैं ये, एस का मतलब ध्यान रखना स्प्लिटिंग। क्या? स्प्लिटिंग। इसको हिंदी में बोलते दीर्ण देह गुहा, मतलब मीजोग्लिया के फटने से बनती है। कैसे बनेगी? जैसे यहां पर ये मीजोग्लिया भरा हुआ है, ये क्या है? ये मीजोग्लिया भरा हुआ है। ठीक है, तो मीजोग्लिया नहीं, मीजोडर्म। तो यहां पर ये इसकी सेल्स दूर दूर हो जाती हैं, ये फटने लग जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगी? एक तरीके से कैविटी बन जाएगी। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनेगी ये साइजोसीलोम। ठीक है, और इसका एग्जांपल हमारे पास में है एनेलिडा टू मोलस्का, एनेलिडा से लेकर मोलस्का तक के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है साइजोसीलोम। एक्टो, सॉरी एंटेरोसीलोम। एंटेरो का मतलब
एंडोडर्म मतलब एंट, और एक तो ये, और एंटेरो, एंटेरो का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होती है इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं आंत्रीय देह गुहा। मतलब जैसे इसको बनाऊं मैं यहां पर ऐसे, इधर बना देता हूं, ये है एक्टो मान लो, ये एंडो मान लो। तो इस एंडोडर्म के दोनों तरफ इस तरीके से मेसोडर्म की पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है, धीरे धीरे ये फैलती जाती है, फैलती जाती है, और ये ग्रो करके पूरी इस तरीके से हो जाती है, ये बन जाती है कुछ ऐसे। लास्ट में रिजल्ट है कि होता दोनों का, इसका और इसका, लेकिन बनने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। तो ये वाला कहलाता है एंटेरोसिलोम, ठीक है। और एंटेरोसिलोम का एग्जांपल है हमारे पास में एकाइनोडर्म्स, टू कॉर्डेटा, ठीक है। इन दोनों में से एडवांस कैरेक्टर कौन सा हो गया, एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो ये हमारा एक और सिलोम का प्रॉपर्टी यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वह है सिमेट्री, सिमेट्री देखते हैं अपन। इसको हिंदी में बोलते हैं सममिति, सममिति। अब इसको समझने से पहले एक होता है एक्सिस, क्या होता है एक्सिस, अक्ष, ठीक है। एक एक्सिस या अक्ष क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का मिड पॉइंट, बीच में से उसका एक्सिस क्या है, वहां से लाइन गुजार रहे अपन, ठीक है। तो यहां पर एक्सिस एंड प्लेन, ये ध्यान रखना अपन को। तो सिमेट्री के बेसिस पर हमारे पास में ऑर्गेनिज्म जो है वो थ्री टाइप के हो सकते हैं। एक तो होगा एसिमेट्री, एक तो क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक, एक तो क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक यानी असममित, ठीक है। तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी भी लाइन से टू बराबर पार्ट्स में, टू इक्वल हाफ्स में, दो बराबर भागों में नहीं कटते हैं। मतलब कोई भी लाइन हो उससे वो दो बराबर भागों में नहीं कटेंगे, तो वो कहलाते हैं एसिमेट्रिक। वो क्या कहलाएंगे, एसिमेट्रिक। और इसका एग्जांपल हमारे पास में आ जाएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, इसको हम दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते, तो कैसा हो गया, एसिमेट्रिक। और इसका एग्जांपल हमारे पास में है पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। और ये सममिति, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन से, मतलब जब ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा लाइन से टू बराबर, टू इक्वल हाउस में कट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, वो कहलाती है रेडियल सिमेट्रिकल। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेडियल सिमेट्री। देखो अब इसको और हम कैसे बता सकते हैं इसको, जैसे स्टारफिश, ठीक है। तो इसको समझना रेडियल सिमेट्रिकल को, अपन क्या बताया अभी हमने कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम किसी भी लाइन से या एक से ज्यादा लाइनों से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो वो कहलाते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। अब इसका एग्जांपल हमारे पास में है सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा के साथ में आएगा टीनोफोरा। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है एकाइनोडर्मेटा। अब एकाइनोडर्मेटा के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, वो क्या है, वो ऐसे है कि इसके अंदर जो इसका लार्वा होता है यानी जो इसके बच्चे होते हैं उनके अंदर तो सिमेट्री दूसरी होती है, जबकि एडल्ट एनिमल के अंदर
एडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो हम बात करें एकाइनोडर्मेटा की, तो एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है, एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और दूसरा जो नेक्स्ट लार्वा आएगा इसके अंदर आएगी नेक्स्ट वाली सिमेट्री, और वो कौन सी होती है, बाइलेटरल, वो कौन सी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो जब ऑर्गेनिज्म को ओनली वन, किसी एक लाइन से टू इक्वल हाफ्स में, दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, तो वो कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल हमारे पास में आ जाएगा, देखो कहां तक हो गया, टीनोफोरा तक हो गया। तो टीनोफोरा के बाद में प्लैटीहेल्मिंथीज, प्लैटीहेल्मिंथीज टू कोऑर्डेटा, और एकाइनोडर्मेटा किस में आएगा, एकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वा, लार्वा में कौन सी होती है, एकाइनोडर्मेटा के लार्वा में पाई जाती है बाइलेटरल सिमेट्री, और एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट के अंदर पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। तो एक और हमारा जो कैरेक्टर है वो है सिमेट्री वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन को अपन बोलते हैं खंडी भवन, मतलब बॉडी का खंडों में बटा हुआ होना, सेगमेंट्स में बटा होना, ये कहलाता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन खंडी भवन, क्या कहलाता है, खंडी भवन। ठीक है, तो यहां पर इन एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जब बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई होती है, क्या होती है, सेगमेंट्स में बटी हुई होती है, और वहां पर जो उसकी स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स है उनका रिपीटेशन होता है, क्या होता है, वहां पर ऑर्गन्स का रिपीटेशन होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं सारे ऑर्गन्स का रिपीटेशन हो, सम ऑर्गन्स का, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन होता है, वो अपने आप को दोहराते हैं, तो ये कहलाता है सेगमेंटेशन। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेगमेंटेशन। और ये सेगमेंटेशन जो होता है खंडी भवन है, ये एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से खंडी भवन पाया जाना चाहिए, वो कहलाएगा ट्रू सेगमेंटेशन, वो क्या कहलाएगा, वास्तविक खंडी भवन। और इसको अपन बोलते हैं मैरामेटिज्म या मैरामेटिक सेगमेंटेशन, यानी जब एनिमल एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरीके से सेगमेंटेशन उसके अंदर पाया जाता है, तो ये कहलाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी वास्तविक विखंडन और वास्तविक खंडी भवन, और इसको अपन बोलेंगे मेटामेरिज्म। ठीक है, और ऐसा किसके अंदर पाया जाता है, एग्जांपल हमें ध्यान है अर्थवर्म, इसका एग्जांपल कौन होता है, अर्थवर्म केचुआ। ठीक है, तो एग्जांपल एक अर्थवर्म हो गया, इसके अलावा और जो एक सेगमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं मेटामियर, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेटामियर। ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए अपन, इसके और एग्जांपल्स होते हैं प्लैटीहेल्मिंथीज से लेकर वो सॉरी एनेलिड, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, सारे नहीं आएंगे इसके अंदर, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं सेगमेंटेशन। और एक इंपॉर्टेंट सूडो सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन अवास्तविक खंडी भवन, ये पाया जाता है किसके अंदर, इसका एग्जांपल है टीनिया। टीनिया किसके अंदर आता है, टीनिया आता है प्लैटीहेल्मिंथीज, फ्लैट वर्म्स। ठीक है, यह है टैप वर्म, फीताकृमी, तो इसके अंदर ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, बाहरी खंड, बाहरी विखंडन पाया जाता है, तो ये कहलाता है सूडो सेगमेंटेशन। अब लास्ट है अपना नोटोकॉर्ड, लास्ट में है अपने नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्मली डेराइव्ड, मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं ऑर्गन्स के अंदर, ये ऑर्गन मेसोडर्म से बना है, ये उससे बना है, तो ये नोटोकॉर्ड किससे बनी है? मेसोडर्म से। तो ये नोटोकॉर्ड क्या है? एक मेसोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेसोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर है, और ये कैसी होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मली रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है डोर्सल साइड में। कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है डोर्सल साइड में, ठीक है, ये पाई जाएगी एनिमल्स के डोर्सल साइड में, ठीक है। और ये कब बनती है? लाइफ के किसी भी स्टेज के अंदर बन सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब यह है, इसका समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि नोटोकॉर्ड एक मेसोडर्म से बने हुए संरचना होती है, जो कि एक रोड लाइक छड़नुमा संरचना होती है, जो एनिमल्स के डोर्सल साइड में पाई जाती है। और इसका फॉर्मेशन ये कब बनती है? ये ऑर्गेनिज्म के एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इसका निर्माण होता है, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इसका निर्माण होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कॉर्डेट्स। उनको क्या बोलेंगे अपन? उनको अपन बोलेंगे कॉर्डेट्स। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी, एनिमल्स विद विच डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, वो क्या कहलाएंगे? नॉन कॉर्डेट। उनको क्या बोलेंगे अपन? उनको अपन बोलेंगे नॉन कॉर्डेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन कॉर्डेट वाला पार्ट। कॉर्डेट में कॉर्डेट आ गया, और इसके अंदर आ जाएगा पोरीफेरा से लेकर, नॉन कॉर्डेट में कौन सा आ जाएगा? पोरीफेरा टू, ये कहां तक आएगा? ये आएगा एकाइनोडर्मेटा तक, एकाइनोडर्मेटा तक ये आता है हमारा नॉन कॉर्डेट, ठीक है। तो ये हमने कुछ देखे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं। वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, देखो यहां पर मेरे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जांपल्स के बेसिस पे बनेंगे। एग्जांपल्स का ध्यान रखना है अपन को, एग्जांपल्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल Which of the following animals are true coelomate, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, with bilateral symmetry, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास में, देखो ऑप्शन एक है एडल्ट एकाइनोडर्म्स दूसरा ऑप्शन है अपने पास में एस्केलमेंथिस नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड ऑप्शन वो है प्लैटीहेलमेंथिस और लास्ट ऑप्शन है अपना वो है एनालिट्स। देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है
और उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। वो कौन से एनिमल्स है? एडल्ट एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स के अंदर हमने देखा है कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एडल्ट एकाइनोडर्म हमने बताया था, अभी बीच में लिखा था यहाँ पर, एडल्ट एकाइनोडर्म के अंदर बाइलेटरल नहीं पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये ऑप्शन अपना हो गया गलत, ठीक है। एस्केल्मेंथीस, एस्केल्मेंथीस के अंदर ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती है, इसके अंदर शूडो सीलोम पाई जाती है, तो ये भी गलत हो गया। प्लेटीहेल्मिंथीस के अंदर क्या होता है, सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? सिमेट्री की अपन बात करें तो सिमेट्री इसके अंदर बायलेटरल होती है, लेकिन ये ट्रू सीलोमेट नहीं है। ये क्या है? ये ट्रू सीलोमेट नहीं है, ठीक है। अब कौन सा बचा हमारे पास में? एनेलिड। एनेलिडा के अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होता है। हमारा आंसर हो जाएगा एनेलिड, ठीक है। इसी तरीके से एक और है हमारे पास में क्वेश्चन, वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग kinds of animals triploblastic? ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन से एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिजनन स्तर वाले हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास में फ्लैट वर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिंथीस, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा, एक ऑप्शन है हमारे पास में टीनोफोरा, एंड लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है कॉरल्स। तो देखो फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेल्मिंथीस के अपन में अपन ने देखा है, प्लेटीहेल्मिंथीस में अपन ने देखा है सेकंड जो अपना कैरेक्टर था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जर्म लेयर, उसके अंदर एक डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमने देखा था सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, दो आ गए। अब उसके बाद वाले प्लेटीहेल्मिंथीस से लेकर सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? वो आ जाएंगे यहाँ पर इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेल्मिंथीस, ठीक है। तो ये था अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे फाइलम्स को, डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।